टीवी में मैं आपके साथ चंदा यादव बुलेटिन की शुरुआत करती है। नवादा जिले के नागरीगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत राज कोसला है। कोसला पंचायत के मुख्य प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में जमन मांझी नजर आएंगे। बता दें जमन मांझी का कहना है वह लगातार सामाजिक स्तर पर जुड़ा हुआ है, पंचायत के लोगों के बीच बेहतर संबंध बना के रखा है, जिससे लोगों से मुझे प्रेरित और साथ ही प्रोत्साहन मिलता है। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का चुनाव बेहद करीब है और साथ ही मांझी मुख्य पद पर चुनाव लड़ेंगे। मांझी ने कहा है कि सभी सम्मानित जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिला है तो निश्चित तौर पर पंचायत का बेहतर विकास करूंगा। वहीं मांझी ने आगे कहा कि पंचायत के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करेंगे और यहां पर भी सबका साथ सबका विकास और साथ ही सबके विश्वास का नारा देखने को मिला है। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए मांझी मुखिया का उम्मीदवार बनी है। गरीबों का नेता है, गरीब का साथ देने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, हमेशा सोच रहे हैं कि गरीब का आगे बढ़ावे और हर एक वर्ग का गरीब को मैंने देखना चाहता हूँ, हर वर्ग का, हर एक जाति का, कोई भी है ऐसा नहीं कि मान लिया जाए नीचे स्तरीय से सरकारी लाभ हम ना देने चाहें। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा जीवन जी? इस बार का मुद्दा है कि सारा को इंदिरा आवास, नल, जो मिट्टी खोदा है, आरा पोखरा, किसानों के लाभ के लिए व्यवस्था करेंगे। और जनता से क्या अपील करेंगे अपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए? जनता से मैं ये कहूँगा कि यार एक बार मौका आप दीजिए कि हम लोग आपको समाज में बनाने का हम अच्छा करें काम कर। निश्चित तौर पर जमन मांझी जी का कहना है कि लगातार आप सभी के बीच में उपस्थित होकर सेवा देते आ रहा हूँ। वर्तमान व्यवस्था में पंचायत का चुनाव बहुत करीब है और आप पंचायत के जनता जनार्दन और नौजवान साथियों से आग्रह है कि एक बार मुझे भी संवैधानिक पद पर अपना आशीर्वाद देकर सुशोभित करें ताकि पंचायत का मैं बेहतर विकास कर सकूं। मैं नवादा से दीनदयाल तिवारी, पप्पू यादव, कैमरा। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।